लिए हैं मिंत्रा से बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें नहीं, बहुत सारे कपड़े मंगाए हैं क्योंकि नया सीजन आ गया है, विंटर सीजन आ गया, वेडिंग सीजन भी शुरू हो गया, बहुत सारी एंगेजमेंट है, बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारी शादियां हैं जो हम सब लोगों को अटेंड करनी है कहीं ना कहीं। तो मैं दिखाने वाली हूँ आपको पूरी लुक बुक बहुत जल्दी। सो अभी मैं जा रही हूँ उनको अनबॉक्सिंग करती हूँ और देखती हूँ कि कैसे कैसे स्टफ आए हैं। नेक्स्ट फैशन वीडियो तो उस चैनल पर जाना पड़ेगा आपको, है ना। है अनिका की यानी मेरे एल्डर डॉटर की वार्डरोब, ये पूरा हिस्सा उसके कपड़ों का है। यहाँ पर यहाँ एंटर करते सबसे पहले आपको बहुत सारे बैग्स दिखाई देंगे, तो उसके स्लिंग बैग और जो भी उसके बैग्स हैं वो यहाँ पर मैंने ये हैंगिंग वाले यहाँ पे लगा करके रखे हैं। इसका हेयर एक्सटेंशन भी यहीं पर मैंने लगा दिया है, वैसे वो लगाती नहीं, मुझे सबको बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ पर ये लगा रखा है ऐसा, ये स्टिक करके। अब क्योंकि हम रेंटेड अपार्टमेंट में हैं तो हमने बहुत डीपली कुछ किया नहीं यहाँ पर। ऑन द अदर साइड मैंने यहाँ पर एक बैग था मेरे पास में, कारा वाइप का बैग है, सो उसी का उसी में मतलब मैंने बहुत सारे इसके जो फैब्रिक वाले क्लिप्स होते हैं ना वो मैंने यहाँ पे रख रखा है, क्योंकि मुझे इससे अच्छा कुछ भी कंटेनर या हैंगर मिला नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये बेस्ट था हर चीज़ के लिए, और ट्रांसपेरेंसी भी है तो उसे दिखाई भी देता है कि इसके अंदर क्या है, और वो इजिली यहाँ पे निकाल लेती है इसको। देन सामने आपको बहुत सारे हैंगर्स दिखाई देंगे, इसमें बहुत सारे कपड़े दिखाई देंगे। सो हेयर वी कैन स्टार्ट, यहाँ पर उसकी बाथरोब है, देन उसकी ड्रेसेस स्टार्ट हो जाती हैं, सारी पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं, फ्रॉक्स है जो यहाँ पर लगाई हुई है मैंने, देन उसके बाद में खुशी की भी पार्टी वेयर ड्रेसेस यहाँ पर मैंने लगा रखी हैं, और ये टॉप्स हैं अनिका के जो कि वो बाहर पहन के जाती हैं, वो टॉप्स मैंने यहाँ पर हैंगर के रखे हुए हैं सारे ही टाइप के, तो ये है। और इस साइड में मैंने खुशी के टॉप्स हैं और कुछ जो क्रॉप टॉप है, स्कर्ट है अनिका के, वो मैंने यहाँ पे लगा के रखे हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, वो यहाँ पर मैंने लगा करके रखा है दोनों के भी। सो नीचे आप आओगे तो यहाँ पे दो सेक्शन देखेंगे आपको कपड़ों के, और ये मैंने डिवाइडर यानी ऑर्गेनाइजर यहाँ पे लगा रखा है। सो यहाँ उसका डेली वेयर का जो भी पैंट है, शॉर्ट्स है, लेगिंग है, वो जॉगर्स वगैरह वो सब मैंने डेली वाले यहाँ पे रख रखे हैं। सेट भी हैं कुछ यहाँ पर, तो कोर्ड वाले वो यहाँ रखें। यहाँ पे उसकी सारी टी शर्ट्स एंड टॉप, कैजुअल वाली, फैंसी वाली, जो भी वो घर में पहनती है फिर आउटिंग के लिए जाते तो वो पहनती है, वो तो वो सब यहाँ पर वन बाय वन मैंने लगा रखा है, उसे जो अच्छा लगता है वो यहाँ से निकाल के पहन लेती है। सामने ही आपको एक ये छोटा सा बॉक्स दिखेगा ऑर्गेनाइजर का, जिसमें उसके स्कूल के सॉक्स मैं यहाँ पे रखती हूँ, जैसे कि हैंडी हो और वो चीज़ें यहाँ से निकाल सके आराम से। और ये छोटा सा जो ऑर्गेनाइजर है इसमें उसके बैंड्स हैं और क्लिप्स हैं जो कि स्कूल में जब उसकी पौनी में बनाती हूँ तो यहाँ काम आते हैं, तो इसलिए इसे भी मैंने यहाँ सामने ही रखा हुआ। और एक ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर जो आप देख रहे हो, इसमें उसका लोशन है, सनस्क्रीन है, हेयर ब्रश है, कॉम्ब है, दोनों के भी हेयर ब्रश और कॉम्ब मैंने यहाँ पर रखे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर रख रखी हैं। नेक्स्ट बिलो दिस सेक्शन, यहाँ मैंने इस साइड में कुछ भी नहीं रखा है, मैं सोच रही हूँ कि उसकी जो फाइल्स वगैरह है ना हॉस्पिटल वाली, वैक्सीनेशन वाली, वो मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे उससे ज़्यादा कुछ आएगा भी नहीं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, एक ड्रॉर है नीचे, इस ड्रॉर में उसके सारे इनर वेयर, स्लिप, पैंटीज वगैरह यहाँ पर मैंने रख रखी इस तरीके से बना करके। पहले मैंने सोचा कोई ऑर्गेनाइजर यहाँ पे रखूँ, लेकिन इस जगह को बैलेंस करने के लिए मेरे टाइप का कोई ऑर्गेनाइजर मुझे मिला नहीं, ऐसे वाले ऑर्गेनाइजर मेरे पास थे
उनमें मैंने खुशी के कपड़े डाल करके रख दिए, बट वो भी मेरे मेरे हिसाब से वहाँ पर सेट नहीं हो रहे थे। फ्यूचर में देखते हैं कि और इसमें क्या कर सकते हैं। ये उसकी नैपकिन से यहाँ रखी है मैंने, और यहाँ पर उसकी हेयर एक्सेसरीज वगैरह रखी हुई हैं, ब्रेसलेट है, वॉच है, क्लिप्स है फैंसी वाली, वो सब मैंने यहाँ रखी हुई है। यहाँ पर ये पूरा एक बॉक्स है रबर बैंड्स का, खुशी और अनिका दोनों भी यूज़ करते हैं, उसकी फैंसी क्लिप्स इस बॉक्स में है। ये सब मैंने बॉक्स में रखा है, पहले मैंने ओपन इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स में रख रखा था, देन आई रियलाइज कि इसमें बहुत मैसी होता है, इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया। जितने भी पफी क्लिप्स हैं बड़ी वाली, वो सब मैंने यहाँ पर रखी है, उसकी चेन लॉकेट का जो सेट है वो सब मैंने यहाँ पर रखा है, बड़ी वाली बोज वगैरह जो है वो सब यहाँ पर मैंने इसके अंदर रख रखी है। नेक्स्ट ईयर वी हैव अ सेक्शन, एक ऑर्गेनाइजर मैंने रखा है, इसमें उसकी फैंसी क्लिप्स जो है, मतलब वो कपड़े वाली क्लिप्स जो होती है ना फैंसी वाली, वो इस पूरे ही पाउच में है, थोड़ा एक्सपेंसिव वाली जितनी भी क्लिप्स होती है जो गुम जाए तो मुझे लॉस हो जाएगा, वो मैंने इसमें रखी है। एंड देन उसकी हेयर बैंड्स वगैरह हैं वो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं, और इसमें है उसके रबर बैंड्स, कलरफुल वाले जितने भी रबर बैंड्स हैं वो यहाँ पर रखे। पहले इतनी चीज़ें फैलती थी और ये बच्चे हैं ना यूज़ करने के बाद चीज़ों को फेंक देते हैं यहाँ, तो फिर वो आता नहीं है। और इतने हेयर बैंड्स हैं ना ऐसे वाले, स्पेशली जो हेयर बैंड्स होते हैं इतने सारे हैं, वो सब मैंने इसमें ही इधर और इधर करके रख दिए हैं कैजुअल एंड पार्टी वेयर। तो मैं जो पहनना है इसको पूरा ही निकालो अपना, रेडी हो फिर इसे वापस से बंद कर दो, इसको बंद कर देते हैं। तो इसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि ये दो ऑर्गेनाइजर मैंने लगा रखे हैं, एक ये ट्रेडिशनल वेयर का है उसके, और इधर उसकी डेनिम्स वगैरह मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं। देन सारी डेनिम और डेनिम जो स्कर्ट्स हैं शॉर्ट्स हैं वो सब इसमें आ गए हैं सारे उसके, और उसके लहंगाज कुर्ता पजामा कुर्ती वगैरह वो सब इसमें आ गई हैं, दो दो करके मैंने उसके रख रखे हैं। मूव करते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर उसके यूनिफॉर्म्स वगैरह जो प्रेस करने के लिए आते हैं ड्रेसेस, वो मैंने यहाँ पर फोल्ड करके रख देती हूँ, फिर निकाल के आयरन करके ऊपर हैंग कर देती हूँ। सो अभी आयरन करके हैंग करना है मुझे। यहाँ पर उसके सारे नाइट सूट रखे हुए हैं, नीचे उसके वो आउटफिट है, स्कर्ट्स वगैरह है, और इसके बाद यहाँ पर कोट सेट है उसके। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चीज़ें रख रखी हैं, यहाँ पर काफ़ी स्पेस है। जब ब्लैंकेट्स वगैरह उसके आते हैं तो वो यहाँ मैं ऊपर रख देती हूँ, अभी ठंड का टाइम आएगा तो ब्लैंकेट मैं यहीं पे ऊपर ही रख दूंगी, तो उसको काफ़ी ईजी हो जाता है निकालना और रखना। ये बैकग्राउंड में खुशी हैं जो कि बहुत बदमाशी कर रही हैं। चलो फिर इस वार्डरोब का जो लास्ट हिस्सा है वो है ये ड्रावर, और इस ड्रावर में उसकी नैपकिन, हैंड टॉवल, बाथ टॉवल ये सारी आ जाती है। इधर स्विमवेयर वगैरह हैं, और यहाँ नीचे हैं इस पैकेट में ड्रेस है, ड्राईक्लीन करके रखी हुई है, और यहाँ पर सारे उसके सॉक्स हैं, खुशी के कैप्स हैं, स्टॉकिंग्स हैं, ये सब यहाँ पर रखे हुए हैं। सो कुछ टॉयलेटरीज एक्सेसरीज जो भी इनकी आती है वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ इस साइड में। सो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ साइड में मैंने रख रखी हैं, और उसका कॉइन बॉक्स है यहाँ पे, और ये जो एक्स्ट्रा हैंड बैग्स हैं उनके वो यहाँ पर मैंने रखे हैं, जिन्हें ऊपर हैंग नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ आई ऑर्गेनाइज हर क्लोसेट, अभी तो यही है, आगे देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं। सो अभी मुझे ये पूरा कुछ अभी ठीक करना है, अनिका की क्लास जस्ट ओवर हुई है और वो सबको छोड़ के चली गई है खाने पीने, मैंने उसको डिनर दे दिया है। तो अभी आपने देखा अनिका और अनविका का जो कम्बाइंड वार्डरोब है उसका समर वाला टूर, मतलब समर में मैं किस तरीके से कपड़े रखती थी। एक्चुअली वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले रिकॉर्ड किया था कि मैं किस तरीके से रखती हूँ, बट शेयर नहीं हो पा रहा था, पता नहीं समाओ ये मिस हो गया था ये वाला वीडियो, तो मैंने आज के व्लॉग में इसे इंक्लूड कर दिया। क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि विंटर में किस तरीके से मैंने कपड़े रखे हैं अनिका की वार्डरोब में, और अभी खुशी की वार्डरोब को रीसेट करना बाकी है, उसमें समर के बहुत सारे कपड़े वो निकालना है, और फिर विंटर के कपड़े आज ही मैंने सब निकाल करके धूप में दिखाए हैं, कुछ वॉश में डाले ऑलरेडी, और कुछ अभी सूख के हैं तो उसे फोल्ड करके रखना, तो वो सब करके सॉर्ट करके फिर मैं उसकी वार्डरोब भी, वार्डरोब के जो ड्रॉर है वो मैं उसमें सेट करूंगी सारे कपड़े, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको कि वो मैंने किस तरीके से अरेंज किया है। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें इनकी जो कम्बाइंड वार्डरोब है फुल साइज में भी मैं रखती हूँ, खुशी के जैकेट हैं, पुलओवर्स हैं, फुल साइज की जो ड्रेस है विंटर वाली वो सब मैं उसमें रखती हूँ, बट स्टिल डेली वेयर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेनिम्स और ये सारा कुछ होता है जो हमें कहीं स्टोर करना होता है, तो वो मैं उसके चेस्ट ड्रॉअर में स्टोर करती हूँ फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही उसे कपड़े उसमें रखते हुए आए हैं। आपने देखा ये ब्लॉग्स में, वीडियोस में, अभी भी हम उसमें ही रख रहे हैं, और आगे पता नहीं कब तक कंटिन्यू करने वाले हैं, एटलीस्ट जब तक हम इस हाउस में हैं तब तक करेंगे। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको अनिका अनविका कंबाइंड क्लोसेट टूर,
यहाँ स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि ये मेरी एल्डर डॉटर की सारी ड्रेसेस हैं, फुल स्लीव वाले टॉप्स हैं, पुलोवर हैं, विंटर आ गया तो विंटर की चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट कर दी हैं, जैकेट्स हैं, हुडीज हैं, तो ये सब लगाया हुआ है। और यहाँ से ये देखो, पहले यहाँ तो ये लाइट मैंने लगा रखी है, पुश ऑन वाले टैप से करके आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, क्लोजेट लाइट है तो बहुत अच्छी यूज़फुल है, आप भी परचेज कर लो, लिंक शेयर कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर खुशी के सारे पुलोवर हैं, जैकेट्स हैं, हुडीज हैं, स्वेटशर्ट हैं, विंटर यहाँ पर विंटर वाली ड्रेसेस हैं, टॉप्स हैं, तो स्वेटर्स वगैरह भी हैं यहाँ पर, तो वो सब मैंने लगा के रखे हैं 1x1 सारे। और ये वाले तो अनिका का है, नेटेड स्वेटर है, स्वेटर ड्रेस है जो पहनाऊंगी मैं अभी, और कॉटन वाले फुल स्लीव टॉप्स वगैरह भी हैं, वो भी मैंने यहीं पे हैंग करके रखा। ऑल्सो अभी भी कुछ पार्टी वेयर फैंसी ड्रेसेस हैं जो कि बैक साइड में मैंने रख रखी, काफ़ी तो हटा दी, लेकिन कुछ है एसेंशियल टाइप का मैंने यहाँ पे रख रखा है स्टिल, की हो सकता है कहीं काम में आ जाए। सो ये रहा टॉप सेक्शन, और इसी में बॉटम साइड में रखे हुए हैं इनके टॉवल्स, हैंड टॉवल्स हैं, हैंड नैपकिन हैं, बाथ टॉवल है, बैक साइड पे विंटर कैप है, और यहाँ साइड में अनिका की स्कूल ड्रेसेस हैं जो कि स्टोर होती हैं वॉश होने के बाद में, यहाँ पे रखते हैं ड्राई करके। ये एक मेडिसिन बॉक्स है, और बैक साइड में यहाँ अनिका का हैंड बैग है जो कि न्यू वाला जो भी है, 2-3 यहाँ पे मैंने रख रखा है, इस तरीके से रखा है। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। यहाँ ये ड्रॉर में अगेन वही इनकी इनर पैंटीज वगैरह, सारे ब्लूमर्स वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे सारा जो भी वो डेली वेयर का चीज़ें यूज़ करती है वो यहाँ पर मैंने स्टोर किया हुआ है। और सो यहाँ पे कुछ उसके हेयर बैंड्स हैं, बोज हैं, यहाँ पे सॉक्स हैं डेली वाले, एंड ये विंटर वाले सॉक्स हैं। यहाँ पर नैपकिन्स हैं, थिक वाली, पतली वाली, कॉटन वाली, सारी मैंने रख रखी हैं ऑर्गेनाइज करके सेपरेट सेपरेट। और ये जो देख रहे हो ना, ये सॉक्स मैंने ऐसा अंदर इंसर्ट करके रखे हुए हैं पेयर को, जिससे कि सॉक्स का जो पेयर है वो मिस नहीं होता है। तो मैं विंटर एंड समर दोनों टाइप के सॉक्स को अभी भी यूज़ करती हूँ डेली और आउटिंग के पर्पज़ में, जिस तरीके से भी। तो ये ना ऐसे सॉर्ट करके रखो तो काफ़ी ईजी हो जाता है बच्चों के लिए मैनेज करना। सो इस ड्रॉअर में सिर्फ यही सारी चीज़ें हैं। नीचे वाले सेक्शन में पहले जहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए थे, बहुत सारे डेनिम जैकेट्स और स्कर्ट्स थी, अब ये नहीं है। यहाँ पे मैंने इस साइड में पूरे टॉप रखे हुए हैं, डेली वेयर वाले, फैंसी वाले टॉप, पार्टी वेयर वाले। यहाँ पे नाइट सूट है, बैक साइड में कुछ समर ड्रेसेस हैं, और ये है क्वाड सेट का सेक्शन। साइड में मैंने डेनिम एंड डेनिम पैंट्स एंड ड्रेसेस वगैरह रख रखे हैं। इसके पीछे कुछ एथनिक वेयर भी हैं जो कि ज़रूरी नहीं है। लास्ट वाला ड्रॉअर जहाँ पर पहले स्टोरेज की चीज़ें होती थी, अभी वहाँ पर मैंने इसकी पूरी एक्सेसरीज, टॉयलेटरीज, डेली की जितनी भी हेयर बैंड्स, क्लिप्स हैं, और जो भी और भी एक्सेसरीज़ हैं जो यूज़ होती हैं उसको डेली की, वो सब मैंने यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके रखी हुई हैं। सो उसको काफ़ी ईजी हो जाता है, सारी चीज़ें उसको एक ही प्लेस में मिल जाती हैं, वो ढूंढ के यूज़ कर लेती हूँ। और खुशी की भी जो चीज़ें हैं वो सब मैंने यहीं पर रखी हुई हैं, अनिका के स्कूल के आई कार्ड है, बेल्ट है, और भी एसेंशियल चीज़ जो भी होती हैं बच्चों को लगती हैं, वो सब यहाँ पर मैंने सेक्शन डिवाइड करके रखा। तो अब एकदम ऊपर से समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या रखा है, कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ साइड में मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लगा के रखा है बच्चों की क्लिप्स एंड बोस के लिए। पहले बहुत डिफ़िकल्ट होता था यार इनको सेटल करना, रखना, और अब जब से मैंने ये वाला ले लिया है ना, थोड़ा हैंग करने के बाद ये बल्ज आउट होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें लगाया तो बहुत हैवी हो जाता है, बट अगर इसे प्रॉपर तरीके से फिक्स कर दोगे ना तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। इसका परचेज लिंक भी मैं शेयर कर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप गर्ल मम्मा हो तो आप जरूर चेकआउट करो, परचेज कर लो। सो दिस इज़ हाउ आई मैनेज एंड ऑर्गेनाइज माय बेबीज माय किड्स विंटर क्लोसेट। क्या है ये करके बताओ? मैंने बता दिया। अब देखो विंटर्स में ना लाइक बच्चों को थोड़ा सा जो ऑयल होता है ना वो अगर आपने अच्छे से रब कर दिया बॉडी पे, हाथ पे, पैर पे, थोड़ा सा बैक पे, चेस्ट पर, एंड ऑयलिंग कर दी थोड़ा, मतलब रेगुलरली करते रहो ना, बहुत अच्छी रहती, स्किन भी अच्छी रहती है और सॉफ्ट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, एंड आपको एडिशनल लोशन और ये सब लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, सच बता रही हूँ मैं।
एंड ऑल्सो अगर आप ये जो रेगुलर इनका ऑयल है ना, अगर आप सरसों का तेल यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अगर ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं या थोड़ा सा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं तो क्या करोगे, थोड़ा सा उसमें कपूर ऐड कर लो। उससे क्या होता है कि वो नेचुरली वेपर का काम करता है और जो सर्दी जुकाम बच्चों को हो जाती है ना इस नए सीजन में वो नहीं होती है बच्चों को। तो आप चाहो तो सरसों के तेल में अजवाइन और थोड़ा सा गार्लिक गरम कर लो अच्छा, और फिर जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है वो ऑयल, फिर वो बच्चों को आप लगा सकते हो। बट ये काफी हीट करता है ये वाला तेल, तो एकदम ठंडी जब हो ना तब ये वाला आप यूज करो। एंड ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल में कपूर वाला जो मैंने आपको बताया ये तो आप कभी भी यूज कर सकते हो। What are you doing? What are you doing? दिखाती हूँ खुशी का प्ले रूम, मैंने अभी रीसेट किया है कल, और ये देखो ये है इनका प्ले रूम। मैंने कर्टन चेंज किया, अभी ये मैट यहाँ पे डाल दी, वो मैट अभी आज सुबह खेल रहे थे। हाँ यहाँ टॉयज है, यहाँ चीजें एक्सेसरीज हैं और ये कुछ चीजें हैं इधर। अरे खा तो लो पहले। एक बाइट लास्ट है खुशी, लास्ट खा लो, जल्दी गप गप ऊपर कर लो। फिलहाल मैं बैठी हुई हूँ बच्चों की नर्सरी में, प्ले रूम है और इसमें ही मैंने अनिका का जो स्टडी टेबल है वो यहीं पे सेट कर दिया। ये मेरी स्वे चेयर है जिसमें हम बैठ करके खुशी को जॉयफुल टाइम दिया करते थे, फीड कराया करते थे और हम भी थोड़ा सा रिलैक्स किया करते थे। सो ये वो है चेयर और यहीं पर मैं बैठी हुई हूँ, यहीं पर इसके सारे खिलौने फैले हुए हैं। यहाँ पर एक विंडो है जो अभी रात में ऐसे भी दिन में यहाँ से बड़ी अच्छी धूप आती है, तो मैंने बस यहीं पर अपनी चेयर सेट कर ली है। ऐसे ऐसा माहौल हो गया है कि यार देखो आप का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खुशी प्ले स्कूल कब से जाना शुरू करेगी, हमने खुशी का प्ले स्कूल शुरू किया या नहीं, एंड ऑल्सो खुशी को हमने स्कूल में क्यों नहीं भेजा।